और वहीं आपको बता दें, दिल्ली से खबर, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहली एफआईआर दर्ज। कमला मार्केट थाने में पहली एफआईआर दर्ज हुई है। अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ केस इसमें किया गया। भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज हुआ है। बड़ा बदलाव, क्योंकि आज से 1 जुलाई 2024 से जो कि लागू हुआ है, और ऐसे में पहली एफआईआर दर्ज हो गई है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत ये पहली एफआईआर जो कि दिल्ली के कमला नगर मार्केट थाने में दर्ज कराई गई है, पहली एफआईआर है ये। अवरोध पैदा करने वालों के खिलाफ केस इसमें दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मामला दर्ज किया है, क्योंकि तीनों ही नए कानून लागू होने के साथ कई सारे नियमों में बदलाव हो गया है। जो बार बार थाने के चक्कर काटने पड़ते थे, पुलिसकर्मियों के चक्कर काटने पड़ते थे, पुलिसकर्मियों को रिश्वत देनी पड़ती थी, तो अब ये आपको नहीं करना पड़ेगा। ऑनलाइन सारी प्रक्रिया हो जाएगी और समय समय पर आपको आपके केस का अपडेट भी ऑनलाइन यानी कि मैसेज के जरिए ही मिल सकेगा। आपको बाकायदा मैसेज के जरिए अपडेट किया जाएगा और जगह जगह पोस्टर्स क्योंकि लगाए गए हैं 1 जुलाई 2024 से ये तीनों ही जो कानून है वो लागू हो रहे हैं। और लोगों को जागरूक करना, लोगों तक ये बात पहुंचाना, लोगों तक ये समझाना कि अब आपके लिए कानून प्रक्रिया और ज़्यादा आसान हो गई है। जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं, समयबद्ध न्याय दिलाना सबसे ज़्यादा अहम इसमें है। लोगों को सजा की जगह न्याय दिलाने पर फोकस इस जरिए किया जाएगा।